चलो आज बताता हूँ आई में एंड एम बी में इन जनरल प्लेसमेंट होती कैसे है ये वीडियो एक सीक्रेट्स टू आई एम लाइफ सीरीज का पार्ट है जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द दई एम एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द प्लेसमेंट्स ये प्लेसमेंट प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए बिकॉज अभी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आए थे सम ऑफ द टॉप रिपोर्टेड टू नॉट हैव प्लेसमेंट तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये रिपोर्ट आए क्यों थे इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ स्टूडेंट जो है वो अनप्लेस

अपना बड़ी राउंड शुरू कर लेते हैं बड़ी राउंड इज बेसिकली जहाँ पर कंसल्टेंट या फिर उस मैनेजर उस फर्म का कैंडिडेट्स uh, के साथ केस इंटरव्यू प्रैक्टिस करते हैं एंड वहाँ से काइंड ऑफ आइडिया लग जाता है कंपनी को विच आर द राइट कैंडिडेट्स दैट दे शुड इंटरव्यू फर्स्ट एंड इट ऑल्सो हेल्प द कैंडिडेट्स बिकॉज इट हेल्प्स एम प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज आफ्टर दिस प्लेसमेंट प्रोसेस के जस्ट पहले आपको प्रेफरेंस फिल करना पड़ता है कि आपका कौन सा प्रेफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज सो आपका जो भी ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस रहेगा आप उसको ऊपर डालोगे एंड जो भी कंपनी आपका कम प्रेफरेंस रहेगी उसको आप नीचे डालोगे सो so, कंपनीज भी अपना लिस्ट लिस्ट बनाते हैं हैं प्रेफरेंस जो कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स कुछ candidates को कुछ को ऊपर डालते कैंडिडेट्स को नीचे डालते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस मिक्स एंड मैच फिर इंटरव्यू शेड्यूल की जाती है कि अगर किसी कंपनी में किसी कैंडिडेट को बहुत ऊपर डाला है एंड किसी स्टूडेंट ने किसी कंपनी को बहुत ऊपर डाला है तो so सबसे पहले वो वाला शेड्यूल हो जाएगी इंटरव्यू एंड दे विल फर्स्ट मेक द डिसीजन वेदर दे वॉन्ट टू हायर देम और नॉट ऑन द स्पॉट डिसीजन दी जाती है जस्ट आफ्टर द इंटरव्यू

सो so, अगर सेवन डेज़ के ऊपर चली जाए प्लेसमेंट तो हम उसको लोग बोलते हैं कि हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट नहीं हुआ इनके प्लेसमेंट सीजन में बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि एट्थ डे या फिर नाइन्थ डे प्लेसमेंट्स नहीं होगा उस दिन भी कंपनीज आएंगी उसके बाद भी आ सकती है द आइडिया इज़ कि जो एलोकेटेड प्लेसमेंट पीरियड था उसके बाद जो प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्लेसमेंट और किसी भी टॉप बी स्कूल के लिए ये रेपूटेशन की बात होती है कि एक्सटेंडेड प्लेसमेंट तक नहीं जाना चाहिए यानी कि वो एट्थ डे या फिर नाइन्थ डे नहीं जाना चाहिए

स्टैंड प्लेसमेंट में जाना रेप्यन मैटर हो जाता है स्पेशली फॉर टॉप बी स्कूल्स बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्लेस नहीं होंगे या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो प्लेस नहीं होने वाले हैं एंड एक बार ये प्लेसमेंट प्रोसेस खत्म हो जाए सो so अगर आप इंटर्न थे समर इंटर्नशिप के लिए गए थे उसके बाद यू माइट गेट अ पी पीओ यू माइट नॉट गेट अ पीपीओ अगर आपको पीपीओ मिला है यू हैव एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट अगर आप रिजेक्ट करते हो या फिर आपको पीपीओ नहीं मिला देन यू विल सेट फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स एंड फाइनल प्लेसमेंट के बाद ऑब्वियसली आप कॉलेज के बाद उस कंपनी में जाओगे So, आपकी समर इंटर्नशिप पे कितनी स्टाइपेंड रहेगी ये पहले से बता दिया जाता है फाइनल प्लेसमेंट में आपका सी क्या रहेगा ये भी जाता है सी पहले से अवेलेबल होता है एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन मेक दिफरेंसेज फॉर द कंपनीज सो अगर आपको ये भी आप जानना है कि एक आई एम स्टूडेंट की सी टी सी कितनी होती है और उस सी टी सी में कितना फिक्स कॉम्पोनेट होता है जो कि बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा एंड कितना रहता है ये सब मैंने एक वीडियो में डिटेल्स में बता दिया था कि आपकी अगर थर्टी फाइव लाख की सी है तो आपको कितना इन हैंड मिलेगा एवरी मंथ आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो देख सकते हो मैं आपसे वहां मिलूंगा